नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 8 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज 1083 केंद्रों पर होगी बीपीएससी की परीक्षा। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए है विशेष तैयारी। सभी जिलों में साल के अंत तक चलेगी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें। बिहार पर होगा चक्रवाती तूफान आसानी का असर। बिहार के 73 बच्चों से पीएम मोदी करेंगे बात। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज 1083 केंद्रों पर होगी बीपीएससी की परीक्षा। आज बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर बिहार के 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पटना में 83 परीक्षा केंद्र बने हैं, जिनमें कुल 55,710 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं समस्तीपुर की बात करें तो यहां पर 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 21,610 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बता दें कि 67वीं बीपीएससी में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब ये परीक्षा रविवार 8 मई को होगी। उत्तर बिहार आने जाने वालों को मिलेगी खास सुविधा। इस दिन से होगा गाड़ियों का परिचालन। बिहार के कई राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का उद्घाटन और शिलान्यास आगामी 7 जून को होने वाला है। यानी कि इस दौरान पटना में गंगा नदी पर बने गांधी सेतु की पूर्वी लेन का भी उद्घाटन होगा और इस पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस लेन के जीर्णोद्धार का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। साल 2014 में गांधी सेतु की मरम्मत की सहमति बनी थी। पहले चरण में पश्चिमी लेन की मरम्मत का काम शुरू हुआ और इससे गाड़ियों का परिचालन जारी है। अब पूर्वी लेन की मरम्मत का काम पूरा कर दिया गया है। मरम्मत कर रही एजेंसी को हर हाल में मई तक काम पूरा करने को कहा गया है। अब इसके उद्घाटन के साथ ही गांधी सेतु के दोनों लेन से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर बिहार आने जाने वालों को सुविधा होगी और पटना शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रमेश चंद्र झा की। रमेश चंद्र झा का जन्म आज ही के दिन यानी कि 8 मई 1928 को हुआ था। रमेश चंद्र एक भारतीय कवि, उपन्यासकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। एक वरिष्ठ गांधीवादी लक्ष्मी नारायण झा के बेटे, जिन्हें बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को स्वतंत्रता कहने से इनकार कर दिया। सेनानी तो एक राजनेता, रमेश चंद्र झा की कविताएं, गजलें और कहानियां देशभक्ति और मानवीय मूल्यों को जगाती है। रोमांटिकतावाद और जीवन का संघर्ष भी उनके लेखन के महत्वपूर्ण पहलू है। उनकी कविता लोगों के जीवन संघर्ष, उनके सपनों और आशाओं की चिंताओं को व्यक्त करती है। 1960 के दशक में अपने और सपने, अ लिटरेरी जर्नी ऑफ चंपारण के रूप में प्रकाशित उनके शोध ने बिहार में चंपारण की समृद्ध साहित्यिक विरासत का पता लगाया और दिनेश भ्रमर और पांडे आशुतोष जैसे आने वाले युवा कवियों को नोट किया। सभी जिलों में साल के अंत तक चलेगी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें। बिहार में अब जल्द ही प्रदूषण की समस्या कम होने वाली है, क्योंकि साल के अंत तक बिहार के लगभग सभी जिलों में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों का संचालन होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि ये साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने विभागीय तैयारी पूरी कर ली है। कुछ तकनीकी कारणों से पटना के अलावा 1-2 जिलों में ही इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन अब बहुत जल्द राज्य में सभी जिलों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने अधिवेशन भवन में आयोजित चलंत दस्ता सिपाहियों के 1-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उक्त बातें कही है। उन्होंने नवनियुक्त 347 चलंत सिपाही से ये कहा है कि आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन करें, यही जरूरी है। बिहार में इन शिक्षकों को किया जाएगा सस्पेंड। मनचाही पोस्टिंग के बाद भी नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक अब सस्पेंड कर दिए जाएंगे, जिसके संकेत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दे दिए हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि मनचाही पोस्टिंग के बाद भी नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक अब सस्पेंड किए जाएंगे। उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऐप की सुविधा 1 साल फ्री मिलेगी। ऐसे में शिक्षक खुद इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आत्मसात करे। ज्ञात हो, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग दे दी जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में साफ किया है कि फिलो ऐप की औपचारिक लॉन्चिंग के अवसर पर यह साफ कर दिया है कि अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्हें नहीं पता, हम उन्हें बता दें कि फिलो ऐप बच्चों को लाइव ट्यूटरिंग करेगा। ऐप पाठ्यक्रम और पेशेवर कोर्स से जुड़ी दिक्कतों का समाधान करेगा। इसका निर्माण बिहार के ही IITians ने किया है। बिहार में अब जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का जिम्मा अब इनके हाथ। बिहार में जमीनों को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद तेज है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत ही बिहार में भी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। इसकी जिम्मेदारी अब राज्य के सभी अंचलाधिकारी यानी CO के पास होगी, जो कि अब रोज बताएंगे कि हर दिन उन्होंने कितनी सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया है, वो जमीन कब से अतिक्रमित थी, जिसमें वो बताएंगे उसका रकबा क्या है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक पोर्टल बना लिया है, जिसका
लिंक अंचलाधिकारी के ऑनलाइन रिपोर्टिंग लॉगिन में मौजूद है। विभाग के उपसचिव मनोज कुमार झा ने इसको लेकर अंचलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है, साथ ही कहा है कि वो जिम्मेवारी को गंभीरता से लें। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने सहायक अभियंता के कुल मिलाकर 223 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार या सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.maharashtra.nsco.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। अपराध वाले टॉप थानों की बनी लिस्ट, SDPO की अब खैर नहीं। बिहार में पुलिसिंग की कार्रवाई सही है या नहीं, उनके काम में लापरवाही देखने को मिली है या नहीं, इस पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, लापरवाही बरतने वाले जवान से लेकर अफसर तक पर अब नकेल कसी जानी है। पुलिस मुख्यालय ऐसे अफसर और कर्मियों से सख्ती से निपटने वाला है। पुलिस महानिदेशक SK सिंघल ने अपराध अनुसंधान विभाग के कामकाज की समीक्षा की और अपराध पर नियंत्रण और मामलों की जांच के लिए कई निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सबसे पहले उन पुलिस अनुमंडलों की समीक्षा की जहां 100 से अधिक कांड जांच के लिए लंबित है। बैठक में अपराध के प्रमुख शीर्ष में अलग अलग चिन्हित किए गए 30-30 स्थानों पर भी बात हुई, जहां के पिछले 3 सालों के अपराध के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अपराध बढ़ने की वजह पर मंथन किया गया और आगे की रणनीति पर बात हुई है। बिहार में इतनी प्रतिशत महिलाओं को अभी भी नहीं बेटियों की इच्छा। बिहार में आज भी बाल विवाह एक बड़ी समस्या है। अभी भी 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। ऐसे में कम उम्र में मां बनने के मामले में हमारा राज्य देश के टॉप 5 राज्यों में है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें राउंड के आंकड़ों में कई बातें सामने आई है, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक बिहार में 31.3% महिलाएं बेटियों से ज्यादा बेटा चाहती हैं। सिर्फ 1.9% महिलाएं बेटियां ज्यादा चाहती हैं, जबकि 2.8% पुरुष चाहते हैं कि उन्हें बेटियां हो। वहीं देश में 15.4% महिलाएं बेटों की चाहत रखती हैं, जबकि 16% पुरुष चाहते हैं कि उन्हें बेटे हो। बिहार पर होगा चक्रवाती तूफान आसानी का असर। बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय राज्यों में चक्रवाती तूफान आसानी जल्द ही टकराने वाला है। हालांकि तूफान आने से पहले ही इलाके में इसका असर दिखने लगा है। परेशानी वाली बात यह है कि इस तूफान का असर अब जल्द ही बिहार में भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस तूफान के कारण बिहार में झमाझम बारिश हो सकती है। अगर चक्रवात अपनी गति से बढ़ता रहा तो 10 मई के बाद बिहार में बारिश हो सकती है। स्काई वेट वेदर के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार के लगभग 17 जिलों के किसानों को जल्द मिलेगा अनुदान। बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा बिहार सरकार देने की पूरी कोशिश कर रही है। अब खबर के अनुसार बिहार के 17 जिलों में 31,000 हेक्टेयर भूमि पर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से खेती की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इन जिलों के किसान अगर प्राकृतिक खेती करते हैं तो इन्हें अनुदान का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार गाय, भैंस, बैल के गोबर, मूत्र का उपयोग करने और सभी सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों के बहिष्कार पर जोर देगी। वैशाली के आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय और वैशाली में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाली पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ कई शानदार मुकुट, हार, गहने आदि को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सिर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गांव के लोगों के द्वारा आजादी के पूर्व का दिया सामान भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति, उमाशंकर की मूर्ति आदि को भी रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहाँ गुप्तकाल, मयूरकाल और कुहुंज काल के दौरान का भी काफी सामान है। बिहार के सभी 9360 प्लस टू स्कूलों में मिलेगी फ्री वाईफाई सेवा। बिहार के स्कूलों में अब छात्रों को मुफ्त में वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। इसी साल से सभी 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और वाईफाई की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उम्मीद है कि छात्रों को उनकी शिक्षा में काफी मदद मिलेगी। अब दूर होगी आपके घर की बिजली की समस्या। बेतहाशा गर्मी के बीच अगर आप भी बिजली की समस्या का सामना करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही बिहार में बिजली के संकट खत्म होने वाली है।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिजली संकट से जूझते देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसमें सौर ऊर्जा से अधिकाधिक बिजली उत्पादन के लिए बड़ी रणनीति बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर हरित पहल करते हुए यह निर्णय लिया है कि देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी प्रतिष्ठानों की छतों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। उम्मीद है इससे 71.68 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और देश भर में बड़ी संख्या में सुरक्षा प्रतिष्ठानों में हरित ऊर्जा का उपयोग किया जा सकेगा। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। बिहार में सातवें चरण में शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर प्रदेश भर में इकट्ठा हुए अभ्यर्थियों ने धरने का आह्वान बीते दिन से कर दिया है। इसको लेकर शनिवार को गर्दनीबाग में धरना अभ्यर्थियों ने शुरू कर दिया। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले होने वाले इस अनिश्चितकालीन धरने के बारे में जानकारी देते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष विनीता ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने कई बार कहा है कि छठे चरण के नियोजन को पूरा होते ही सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार उनके खिलाफ लगातार वादा खिलाफी करती जा रही है, केवल वादों का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री की तरफ से यह कहा गया कि छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन उसके बाद वो चुप बैठ गए। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन पुल के अप्रोच रोड के अलाइनमेंट में होगा बदलाव। पटना के दीघा से सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले 6 लेन पुल के अप्रोच रोड के अलाइनमेंट में बदलाव संभव है। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एडीजी ने प्रस्तावित पुल के अलाइनमेंट का निरीक्षण किया था। इस क्रम में ये बात सामने आई है कि दीघा छोड़ के साथ साथ सोनपुर छोर में अप्रोच रोड के टेल एंड में बदलाव जरूरी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एडीजी ने इस मामले पर ट्रैफिक इंजीनियर के साथ बैठक कर निदान करने को कहा है। कोसी और मिथिलांचल के बीच बढ़ेगी मछली और मखाना का व्यापार। कोसी और मिथिलांचल के बीच रेल सेवा बीते दिन से शुरू हो गई है। इसके शुरू होने से दोनों के बीच एक बार फिर आर्थिक विकास का द्वार भी खुलने की उम्मीद जागने लगी है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि कोसी और मिथिलांचल के बीच मछली और मखाना का व्यापार एक बार फिर से शुरू हो सकेगा। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। वहीं कोसी और मिथिलांचल के बीच व्यापार के साथ मधुर संबंध भी बढ़ेंगे। कोसी क्षेत्र के मक्का की मांग नेपाल में काफी अधिक है। अब नेपाल के जनकपुर और कुर्था तक के बीच दरभंगा से ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोसी क्षेत्र को व्यापारिक दृष्टिकोण से अब बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में अब बाढ़ से निपटने के लिए है विशेष तैयारी। बिहार में बाढ़ की समस्या हर साल देखने को मिलती है। इस बीच बिहार में बाढ़ की संभावना को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद तैयारियों की निगरानी भी कर रहे हैं। संजय झा का कहना है कि हाल के दिनों में क्लाइमेट चेंज होने के कारण कभी भी बारिश हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि नेपाल में कब बारिश हो रही है। जल संसाधन विभाग की तरफ से 3700 से 3800 किलोमीटर का इन्बैंकमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा है कि फ्लड फाइटिंग के लिए मटेरियल भी उपलब्ध कराई जा रही है। जल संसाधन विभाग अलर्ट है और कई नई तकनीक का भी इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है। बिहार के 73 बच्चों से पीएम मोदी करेंगे बात। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 73 बच्चों की प्रधानमंत्री से बातचीत होने वाली है। हालांकि इसकी तारीख तो अभी नहीं मिली है, पर संभावना यही है कि प्रधानमंत्री इसी महीने ऐसे बच्चों से बात कर सकते हैं। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के लिए सभी जिलाधिकारियों को तैयारी का निर्देश भी दे दिया गया है। जिन जिलों के बच्चे हैं उन्हें प्रधानमंत्री से बातचीत के लिए तय तारीख के दिन समाहरणालय परिसर लाया जाएगा। संबंधित जिले के डीएम की मौजूदगी में बातचीत होगी। ज्ञात हो ये वही बच्चे हैं जिन्हें राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रति महीने 1500 रुपए की राशि दे रही है। पिछले साल मई में राज्य सरकार ने इसके लिए बाल सहायता योजना का शुभारंभ किया था। योजनाओं की हकीकत जानने उतरेगी विधानसभा की कमेटियां। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण विधानसभा की समितियां राज्य के अंदर स्थल अध्ययन यात्रा पर नहीं जा सकी थी। स्थल निरीक्षण से सरकारी योजनाओं को वास्तविक स्थिति से अवगत हुआ था और किया भी जा सकता था, जिसके बाद ही अब ये समितियां मई जून में सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन और अनुश्रवण करने के लिए राज्य के अंदर प्रत्येक जिलों में स्थल अध्ययन यात्रा पर जाएगी। इसकी घोषणा खुद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया है। सिन्हा की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार विधानसभा की संसदीय समितियों के सभापतियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें ही उन्होंने उक्त आदेश जारी कर दिया है। मांझी खोलेंगे राजद की पोल।
इन दिनों बिहार की राजनीति में एक दूसरी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की कई खबरें सामने आ रही है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही थी। अब बीते दिन जीतन राम मांझी ने राजद का रिपोर्ट कार्ड जारी करने का दावा किया है। इसको लेकर बीते दिन एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने राजद की विफलताएं गिनाने की बात कही है। पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने आगे आकर शनिवार को कहा कि हम की तरफ से 5 जून को रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें विपक्षी दल राजद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी की विफलताओं पर रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। राजद की तरफ से सीएम नीतीश पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने की बात कही जाती है, जबकि तेजस्वी को अपने पिता लालू यादव पर रिपोर्ट कार्ड जारी करने चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मानव सेवा के कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1828 में जीन हेनरी ड्यूनेंट को मिला। महात्मा गांधी ने 21 ब्रिटिश शासन के खिलाफ 21 दिन का फास्ट 1933 में रखा। गोपबंधु चौधरी 1895 में उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गांधीवादी कार्यकर्ता बने। केंद्र सरकार ने चंद्रनगर को 1954 में पश्चिम बंगाल राज्य में शामिल किया। रविन्द्र भारती विश्वविद्यालय की 1962 में स्थापना हुई। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का 1963 में शताब्दी समारोह मनाया गया। भारतीय मूल के 69 वर्षीय लॉर्ड स्वराजपाल 2000 में ब्रिटेन के चौथे सबसे बड़े विश्वविद्यालय ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कुलपति नियुक्त हुए। भारत की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 1929 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक चिंतक वेदांत दर्शन के विश्व प्रसिद्ध विद्वान स्वामी चिन्मयानंद का जन्म 1916 में हुआ। बंगाल का नवाब मीर कासिम का निधन 1777 में आज ही के दिन हुआ था। अब व्हाट्सएप पर भेज पाएंगे 2 GB तक की फाइलें। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर मैसेजिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए कई नई फीचर को पेश कर रहा है। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने अब एक नया ग्रुप चैट फीचर पेश किया है। व्हाट्सएप यूजर जल्द ही अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बड़े साइज की फाइलें ऐप पर शेयर कर पाएंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि वो जल्द ही एक अपडेट रोल आउट करेगी जो यूजर को मैसेजिंग ऐप पर 2 GB जितनी बड़ी फाइल शेयर करने की सुविधा देगा। हालांकि कंपनी ने उस समय अपडेट रोल आउट की टाइमलाइन की पुष्टि नहीं की थी। आज व्हाट्सएप ने ट्विटर के माध्यम से रोल आउट की पुष्टि की। अपडेट जल्द ही यूजर को व्हाट्सएप पर 2 GB तक की फाइल भेजने की अनुमति देने लगेगा। KGF ने मचाया धमाल, 400 करोड़ के पार किया व्यापार। फिल्म KGF चैप्टर 2 का नाम सिनेमा के इतिहास में दर्ज हो गया है। फिल्म की रिलीज से पहले किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मॉन्स्टर साबित होगी, लेकिन पहले ही दिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ कमाई करती देखी गई और रिकॉर्ड्स बना रही है। कन्नड़ अभिनेता यश की फिल्म KGF 2 की कामयाबी में अब एक और पन्ना जुड़ गया है और फिल्म ने 400 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली है। याद दिला दें कि अब KGF 2 से आगे प्रभास की बाहुबली 2 है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फिल्म उसे भी मात दे सकती है। हालांकि अब यह सफर तय करना फिल्म के लिए काफी मुश्किल होगा। 75 रनों से हारी कोलकाता। शनिवार को आईपीएल के दूसरे मुकाबले में लखनऊ की टीम ने कोलकाता को 75 रनों से हरा दिया है। लखनऊ ने केकेआर को 177 रन का टारगेट दिया था, लेकिन कोलकाता की पूरी टीम 101 रन पर ही ऑल आउट हो गई। टीम 15 ओवर भी नहीं खेल पाई। केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन आंद्रे रसेल ने बनाए, उन्होंने 45 रनों की पारी खेली। वहीं लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा विकेट आवेश खान और जेसन होल्डर के खाते में आए। दोनों ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। इस जीत के साथ लखनऊ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। वहीं कोलकाता 8वें स्थान पर खिसक गई है। अगर कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचना है तो उसके अपने बचे 3 मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है बबीता कुमारी, गौतम कुमार, अनवर करीम, ऋषु कुमार, रॉयल, विजय घायल, सत्येंद्र कुमार, नुनू कुमार, मनीष मोहरा ऑफिशियल, विकास कुमार, राजीव कुमार, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार को क्या करना चाहिए? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।